गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका हम एग्जांपल फाइंड आउट कर रहे थे, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें हमने सपोज किया था टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। सपोज दैट कि टू ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। ए का जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, सपोज दैट कि वेक्टर पी ए है, और बी का जो इनिशियल मोमेंटम है, सपोज दैट कि वेक्टर पी बी है। सपोज दैट कि ए की वेलोसिटी जो है बी से ज़्यादा है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये बी बी ए और बी में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज दैट ये और ये बी है, यहाँ क्या होगा, दोनों में जब कोलिजन होगा तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। सपोज दैट कि वो जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है। इस वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो भी इक्वल एंड अपोजिट। तो बी पर जो फोर्स लगेगा, इसको हम कहेंगे वेक्टर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वेक्टर या बी ए। और बी क्या करेगा, ए पर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर एफ ए बी। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक को पॉजिटिव हम लिखेंगे तो सेकंड को क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव। ये क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर एक लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो क्या होगा, दोनों का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज दैट कि ए का जो मोमेंटम है वो वेक्टर पी ए डैश हो जाएगा, वेक्टर पी ए डैश, और बी का जो मोमेंटम हो जाएगा वो वेक्टर पी बी डैश। ये क्लियर है? यहाँ पे अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करें, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ तो यहाँ हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में हम क्या पढ़े हैं, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, मीन्स फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम लिखें तो यहाँ पर अगर हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए देखें तो क्या होगा, बॉडी ए पर फोर्स कितना लग रहा है, वेक्टर एफ ए बी। तो वेक्टर एफ ए बी, वेक्टर एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू किसके हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम क्या है, वेक्टर पी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर पी ए। ऐसे ही बॉडी बी का अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो बॉडी बी पर फोर्स कितना लग रहा है, वेक्टर एफ बी ए, वेक्टर एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम वेक्टर पी बी डैश है और इनिशियल मोमेंटम क्या है, वेक्टर पी बी है। ये क्लियर है? ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसके बाद हम अगर देखें फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लिख सकते हैं वेक्टर या फे बी इक्वल टू माइनस वेक्टर या बी। ये क्लियर है? अब अगर हम यहाँ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेक्टर या फे बी इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल है, वेक्टर एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू है वेक्टर पी ए डैश
वेक्टर पी ए डैश माइनस वेक्टर पी ए माइनस वेक्टर एफ बी ए क्या है, वेक्टर एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू वेक्टर पी बी डैश माइनस वेक्टर पी बी। ये क्लियर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर पी ए डैश माइनस वेक्टर पी ए इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वेक्टर पी बी डैश प्लस वेक्टर पी बी। और करके हम लिख सकते हैं वेक्टर पी ए प्लस वेक्टर पी बी इक्वल टू वेक्टर पी ए डैश प्लस वेक्टर पी बी डैश। हम क्या देख रहे हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मीन्स कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटम है वही कोलिजन के बाद भी हम अगर निकालें टोटल मोमेंटम तो वही आएगा। ये क्लियर है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कल हमने बताया था आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये सिस्टम फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो तो पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और हमने पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो तो पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो कंडीशन आप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम अंडर टू फोर्सेज, मीन्स अगर कोई पार्टिकल है उस पर टू फोर्स लग रहे हो तो वो फोर्स किस तरह लगे कि वो पार्टिकल क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर हमें निकालना हो इक्विलिब्रियम आप ए पार्टिकल अंडर टू फोर्सेज तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो होना क्या चाहिए, वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ मीन्स सपोज दैट, हाँ सपोज दैट कि कोई पार्टिकल है इस पर टू फोर्स लग रहे हैं और ये पार्टिकल क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस पर दो फोर्स लगे वो भी इक्वल एंड अपोजिट। सपोज दैट एक वेक्टर एफ है और एक क्या है, या इसको हम सपोज कर लें एफ वन और इसको एफ टू, ये सपोज दैट एफ वन और ये एफ टू है। इस पार्टिकल पर हम क्या देख रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इस पर जीरो होगा। ये कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अंडर टू फोर्सेज, तो क्या होना चाहिए, दो फोर्स जो होना चाहिए वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर किसी पार्टिकल पर थ्री फोर्स लग रहे हो, वेक्टर एफ वन, वेक्टर एफ टू एंड वेक्टर एफ थ्री, वेक्टर एफ वन, वेक्टर एफ टू एंड वेक्टर एफ थ्री, ये पार्टिकल अंडर थ्री फोर्सेस कब इक्विलिब्रियम में होगा, इसके लिए जो फोर्स होना चाहिए वो कुछ इस तरह लगना चाहिए। सपोज दैट कि ये पार्टिकल है, इस पर जो वेक्टर एफ वन लग रहा है इस तरह लग रहा है और वेक्टर एफ टू जो लग रहा है वो कुछ इस तरह लग रहा है और वेक्टर एफ थ्री इस तरह लग रहा है, तीनों फोर्स एक ही पार्ट पॉइंट पर लग रहे हैं, इसके इसलिए हम इसको कह सकते हैं कंकरेंट फोर्सेज। ठीक है,
अब इन तीनों फोर्स, ये तीनों फोर्स लग रहे हैं और पार्टिकल क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, देखो अगर हम पैरेललोग्राम ला से एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट निकालें, ये हो जाएगा सपोज दैट वेक्टर आर। यहाँ पे वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, वेक्टर आर जो होगा ये इक्वल टू होगा वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू पैरेललोग्राम ला से। होना क्या चाहिए, वेक्टर आर इक्वल टू होना चाहिए वेक्टर एफ थ्री के माइनस वेक्टर एफ थ्री। मीन्स अगर यहाँ पे वेक्टर आर और वेक्टर एफ थ्री इक्वल हो और डायरेक्शन क्या दोनों का अपोजिट है, तो अगर वेक्टर आर इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ थ्री हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और ये पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। या इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर की जगह पे वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ थ्री। या फिर लिख सकते हैं वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ थ्री इक्वल टू जीरो। मीन्स ये पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेज व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो। अगर तीनों फोर्स का वेक्टर सम क्या हो, जीरो हो, तो पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा अंडर थ्री फोर्सेज। या तो फिर ये तीनों फोर्स क्या हो, साइड ऑफ ए ट्रायंगल हो, जैसे इस तरह हो। सपोज दैट कि ये वेक्टर एफ वन है और ये वेक्टर एफ टू है और ये क्या हो, वेक्टर एफ थ्री हो। अगर तीनों फोर्स को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा हो, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। रिजल्टेंट हमें मिलेगा ही नहीं, रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर तीनों फोर्स को ऐड करने पर हमें ट्रायंगल मिल रहा है, या तीनों फोर्स क्या हो, साइड ऑफ ए ट्रायंगल हो, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। या वेक्टर सम ऑफ थ्री फोर्सेस क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एन फोर्सेस, अंडर एन फोर्सेस मतलब किसी पार्टिकल पर अगर एन फोर्स लग रहे हो, वेक्टर एफ वन वेक्टर एफ टू डॉट 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 वेक्टर एफ एन, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर किसी पार्टिकल पर एन फोर्स लग रहे हो तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर ये फोर्स क्या हो, क्लोज्ड एन साइडेड पॉलीगन हो। अगर ये फोर्सेज क्या हो, साइड ऑफ क्लोज्ड एन साइडेड पॉलीगन, क्या हो, साइड ऑफ क्लोज्ड, साइड ऑफ क्लोज्ड एन साइडेड पॉलीगन हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एन फोर्सेज इफ एन फोर्सेज क्या हो, साइड ऑफ क्लोज्ड एन साइडेड पॉलीगन हो। ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें, ये होमवर्क है। ओके, थैंक यू।